अयोध्या के अंदर जो हुआ, जो चीख चीख कर बताएंगे कि किस कदर भगवान श्री राम के नाम पर इस देश की जनता की जन भावनाओं को ठगा गया है, वोट मांगकर जनता का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया है, देश के एक्सचेंज के लिए हजारों करोड़ रुपए पानी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए, बरसाती नाले में चले गए, कि भारतीय राजनीति के इतिहास की भ्रष्टतम पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक क्षेत्र की तरह तार तार हो गया है। बीजेपी के हिस्से का भ्रष्टाचार है कि यह टनल जो है आज जलमग्न है। मुझे लगता है भाजपा के नेताओं को एक बार यहाँ भी नाव चला के कोशिश करनी चाहिए, देश देखेगा, तबाशियां देगा। अभी मैं आप लोगों से कुछ आंकड़े साझा करूंगा, कुछ नंबर शेयर करूंगा, और उन नंबर्स के रेलेवेंस को उसके बाद में बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एयरपोर्ट 1450 करोड़ रुपए, रेलवे स्टेशन 724 करोड़ रुपए, रिंग रोड 4793 करोड़ रुपए, फिर एक और रोड 1140 करोड़ रुपए, एक और रोड 773 करोड़ रुपए, एक टाउनशिप 787 करोड़ रुपए, एक और टाउनशिप 2180 करोड़ रुपए, एक और रोड 787 करोड़ रुपए, रिनोवेशन प्रोजेक्ट्स 170 करोड़ रुपए, मेडिकल कॉलेज 245 करोड़ रुपए। इन सबको आप टोटल करेंगे तो 12,262 करोड़ रुपए होते हैं, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। और इन आंकड़ों की प्रासंगिकता यह है कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के प्रोजेक्ट्स के हैं। आनन फानन में 12,262 करोड़ रुपए आज की तारीख में बरसाती नाले में जा चुके हैं। अयोध्या के अंदर जो हुआ वो आपने देखा, तस्वीरें वीडियोस सब कुछ मिल जाएंगे आपको, जो चीख चीख कर बताएंगे कि किस कदर भगवान श्री राम के नाम पर इस देश की जनता की जन भावनाओं को ठगा गया है, वोट मांगकर जनता का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया गया है। लेकिन ये सब कुछ बात यही खत्म हुई नहीं, यह सब कुछ यहां रुका नहीं। और हमने देखा कि सिर्फ चुनावी प्रपंच का हिस्सा बनाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले एक साल के अंदर आनन फानन में सिर्फ और सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए, गुणवत्ता और प्रोजेक्ट की पूर्णता को दरकिनार करते हुए, जबलपुर में टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ, पहली बरसात आई कोलैप्स हो गया। दिल्ली के अंदर टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ, पहली बरसात आई कोलैप्स हो गया, लोग घायल हुए, 3 लोगों की जान चली गई। और आज पता चला कि इन्हीं एक वर्षों में एक और माननीय मोदी जी के गृह राज्य गुजरात के राजकोट में एक टर्मिनल इनॉग्रेट हुआ, जिसमें प्रोजेक्ट की कंप्लीशन, प्रोजेक्ट की क्वालिटी सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हुई और वो भी कोलैप्स हो गई।
क्या चल रहा है आप देखिए, हजारों हजार करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स सिर्फ और सिर्फ एक शख्स की छपने की दिखने की चाहत को पूरा करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री महोदय की छपास की जरूरत को पूरा करने के लिए या तो समय से पहले इनॉग्रेट किए जा रहे हैं या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके कंप्लीट कराया जा रहा है। और नतीजा यह कि देश के एक्सचेंज के ये हजारों करोड़ रुपए पानी में मिल गए, मिट्टी में मिल गए, बरसाती नाले में चले गए। आपने देखा होगा बिहार के अंदर कल तक चार और आज पांच पुल बन गिर गए, मतलब रोज पुल गिर रहे, हफ्ते भर में पांच पांच पुल गिर जा रहे। क्या चल रहा है, कोई जवाबदेही है किसी की? इन हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी ने सफाई दी है क्या? न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा जो पिछली सरकार में दिया गया था, अब तो नारा भी अपना मतलब खो चुका। वह नारा देने वाले जो देश के प्रधानमंत्री महोदय हैं, उनकी तरफ से कुछ कहा गया क्या? अटल सेतु जिसका बखान बढ़ा चढ़ाकर किया गया, वो इस सरकार के किरदार की तरफ फंस चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक क्षेत्र की तरफ तार तार हो गया है। कोई सफाई दे रहा है क्या? कोई जवाब दे रहा है क्या कि जनता का पैसा कहां गया? कोई जवाब दे नहीं है। इस देश के आम लोग, लोकतंत्र बचाना हो, संविधान बचाना हो या एक्सचेकर का पैसा बचाना हो या बेगुनाहों को बेबुनियाद सियासी मुकदमों में उलझाकर जो जेल में रखा गया उन्हें बाहर निकालना, इन तमाम मामलों में एक ही तरफ रुख करके देख रहे हैं, न्यायालय की तरफ। मेरी दो ही उम्मीदें हैं, दो ही गुजारिशें हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट इन तमाम घोटालों का कॉग्निजेंस लेके खुद कार्रवाई शुरू करे, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका कि भारतीय राजनीति के इतिहास की भ्रष्टतम पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो या तो खुद ब खुद उच्चतम न्यायालय इसका कॉग्निजेंस ले, संज्ञान ले, या हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक समिति बने और वो समिति इन तमाम ये जो एक साल के अंदर आनंद फानंद में उद्घाटन किए गए, उद्घाटन करने के बाद ये सारे प्रोजेक्ट मिट्टी में मिल गए, इन सारे प्रोजेक्ट की सिलसिलेवार ढंग से जांच करे, भ्रष्टाचार में लिप्त भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, नेता हैं, पदाधिकारी हैं, व्यवस्था के अधिकारी हैं, जो गुनहगार हैं, उनका गुनाह साबित करे, जवाबदेही स्थापित करे और देश की जनता के हजारों करोड़ रुपए बरसात की भेंट चढ़ाने वाले लोगों के खिलाफ, भाजपा के नेताओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। यह उम्मीद भी है और यह निवेदन भी है माननीय उच्चतम न्यायालय से। धन्यवाद। देखिए, मैंने राजनीतिक जीवन में दो तरह के लोग देखे हैं, एक राजनीतिक धूर्त और एक राजनीतिक मूर्ख। मूर्ख की माफी संभव है, अगर उसे कुछ नहीं पता उसकी
अनभिज्ञता मानकर उसे माफी दी जा सकती है, लेकिन राजनीतिक धूर्तों की माफी नहीं है। दुनिया जहान दिल्ली के लोग सभी अधिकारी जानते हैं मानते हैं कि वो पूरा का पूरा इलाका एनडीएमसी कहलाता है। एनडीएमसी कौन चला रहा है भाई? एनडीएमसी भारतीय जनता पार्टी चला रही है। 850 करोड़ रुपए के प्रगति मैदान टनल के प्रोजेक्ट का जोर शोर से उद्घाटन करने वाले नेता इस समय जवाब क्यों नहीं दे रहे? कंप्लीट प्लानिंग फेलियर है वो प्रोजेक्ट, 100% प्लानिंग फेलियर और बीजेपी के हिस्से का भ्रष्टाचार है कि यह टनल जो आज जलमग्न है। मुझे लगता है भाजपा के नेताओं को एक बार यहां भी नाव चला के कोशिश करनी चाहिए और पर्यटन के लेवल पे एक नई शुरुआत कर सकते हैं, उसका भी फीता काटते हैं, उसका भी नारियल फोड़े, देश देखेगा, शाबाशियां देगा।